प्रसन्नता से जा रहे थे बाबा जी और कृपा किया। अभी हम बाबा जी का भी विचार सुनेंगे। ऐसे आप शांति बनाए रखना, कल भजन बाबा जी का माहौल है, पता नहीं पूरी रात गाते रहे भैया, आपको मन बना के बैठना। और आप लोगों को बड़ी अच्छी किस्मत है कि आपके बिल्कुल पास में ही है बाबा जी का निवास स्थान, बहुत अच्छा है। ऐसे मस्त बाबा, ऐसे संत मिलना बहुत दुर्लभ है आप लोगों की। ये हिमाचल की भूमि की देन है। हिमाचल में जैसे देवी देवताओं के स्थान जा रहा है, ऐसे यहीं से संत लोग प्रकट हो रहे हैं। जैसे बाबा बाल जी महाराज हुए, बाबा रुद्रानंद जी महाराज, शिवानंद जी, ऐसे विशाल बाबा जी, ऐसे संतों की भूमि भी अब हिमाचल बनता जा रहा है। और अनेकों संत हैं हिमाचल की भूमि से, आप भी इस पावन भूमि पर बैठे हैं। हम लोग तो बस यही चाहते हैं, आप भी यही मांगना। एक मेरा बहुत प्रिय भजन है कि संत का सर्व मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। संतन के संग जो संत होगा वो पूरे जीवन में किसी से भी तंत नहीं करेगा। तंत का अर्थ होता है झगड़ा। संत कभी किसी के साथ झगड़ा करता नहीं। ऐसे मैंने पहले सुना था कि बाबा जी कभी सुना रहे थे आश्रम पास छोड़ दिया, संत को क्या लेना देना है, थोड़ा सा विवाद हुआ और उठकर चल देते हैं। ऐसे बाबा जी मस्त है, कहीं पक्का स्थान नहीं है, चलते रहते हैं। ये है संत का पहला लक्षण। जो आश्रम के लिए झगड़ा करे, कुटियों के लिए झगड़ा करे, जमीन का विवाद करे, समझना वो संत नहीं है, वो तो हमारे जैसे ही है। दूसरी बात, एक बात और है, संत के कभी अंत नहीं होता, ये भी याद रखना। जो संत होगा उसका कभी अंत होता नहीं है, चाहे बाबा विशाल जी महाराज है, चाहे आपके पास जिन संतों की समाधि बनी है, संतों का नाम चलता रहता है। संत शरीर भले ही चला जाए पर उनका नाम कभी अंत होता नहीं है। दूसरा लक्षण संत का है। और तीसरा, संत किसी गद्दी पर भी बैठते नहीं है। और ऐसे संतों के लक्षण करते हुए ऐसे महापुरुष आपके बीच में बना रहे हैं। और स्वभाव से देखो कितना कोई है इनके पास, स्वभाव से कितनी सरल है। और आजकल का जमाना पता क्या है, वो भी गा देता हूँ, सरल संत का मोल ना के कुटियों के दरवाजे झांके। आजकल सरल संत को नहीं समझते लोग, जो थोड़ा सा ज्यादा बड़ी गाड़ी हो, ये वो बड़ा तमाशा, उसी के पास ये संसार है। हम लोग इसके लिए गाते हैं, देख लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया I'm gonna make it.
Yeah.
सात राय में आए थे तो बाबा जी ने सात राय में आकर दूना रमाया था, लेकिन उस दूने का वेद माता रत्न ने भी नहीं पाया था। फकरों की जो मौज होती है उनको कोई कोई पहचान सकता है। जदो जोगीने बाबा जी का सुनहरी जटों का भी माता रत्न ने भेद नहीं पाया था। जदो जोगी ने लगिया जगा Thank you.
Yeah.